स्वर्गवासी माँ की जादुई चूड़ियाँ। शेरपुर गांव में चकोर अपने माता पिता के साथ रहती थी। चकोर के पिता घनश्याम उस गांव के जमींदार थे। ईश्वर की कृपा से उनके घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। चकोर की माँ शांति की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने के बाद चकोर बहुत ही अकेली हो जाती है। चकोर बेटा, कुछ खा लो, तुमने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है पापा, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। घनश्याम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। गांव वालों और रिश्तेदारों के कहने पर घनश्याम ने रूपाली नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रूपाली, यह मेरी बेटी चकोर है, मैंने इसी के लिए तुमसे शादी की है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता ना करें जी, मैं चकोर को माँ की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। चकोर बेटा, आपसे ही तुम्हारी माँ है। चकोर माँ का नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है आपके बिना मैं कितनी अकेली हो गई थी। अब से आप मेरे साथ ही रहना, मैं आपके साथ ही खेलूंगी, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं यहाँ जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, अब से मैं यहीं रहूंगी। और हाँ, मैं अपने साथ तुम्हारे लिए एक प्यारी सी बहन भी लाई हूँ। सच माँ, कहाँ है मेरी बहन? वो अभी हॉस्टल में है, अगले हफ्ते तक उसकी छुट्टी हो जाएगी, फिर वो यहाँ आ जाएगी। दोनों का इतना प्यार देखकर घनश्याम बहुत ही खुश होता है कि उसने शादी करके कोई गलती नहीं की। रूपाली कुछ दिनों तक चकोर से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन रूपाली की बेटी मोना हॉस्टल से घर आ जाती है। वो अपनी माँ को चकोर की सेवा करते देख बोलती है, मॉम व्हाट इज दिस, क्या आप नौकरानी की तरह इस लड़की के पीछे लगी रहती हो? मुझे तो बिल्कुल पागल लगती है ये। पागल ही है बेटी ये तो, पर क्या करूं? घनश्याम इस पागल से बहुत प्यार करता है, अगर उसने अपने बाप को कुछ बता दिया तो हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ओफो, कम ऑन मॉम, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर मोना अपनी माँ को कुछ समझाती है। उसके बाद रूपाली और मोना चकोर पर अत्याचार करना चालू कर देते हैं। घनश्याम के घर आते ही रूपाली डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हुए चिल्लाती है, चकोर बेटा बेटा, देखो आज मैंने तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे, खीर, रसगुल्ले सब बनाए हैं। अरे इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी? अब तो आदत सी हो गई है जी, पूरे दिन किचन में ही जो रहना पड़ता है, चकोर का हर टाइम कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। तभी उधर से मोना आती है और बोलती है, माँ मैंने चकोर के सारे कपड़े धुल दिए और उसके कमरे की अच्छे से सफाई भी कर दी। देखो ना माँ, पोछा लगाते हुए मेरे हाथ में कांच भी चुभ गया, वो चकोर ने कांच का गिलास जमीन पर गिरा दिया था, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है माँ। क्या चकोर तुम लोगों से इतना सारा काम करवाती है? आने दो इसे, अभी बताता हूँ, बहुत बिगड़ गई है ये लड़की। जाने दीजिए ना, बच्ची है समझ जाएगी, मैं चकोर को उसके कमरे में ही खाना देकर आती हूँ, आप लोग खाना खाइए। तभी रूपाली ऊपर चकोर के कमरे में जाती है। माँ आपने बाहर से रूम क्यों लॉक कर दिया? माँ मुझे पिताजी से एक बार मिलना है, मुझे नीचे जाने दो ना माँ। रूपाली चकोर को जोर से चांटा मारते हुए बोलती है, नीचे अपने बाप से हम लोगों का शिकायत करने जाएगी, मैं तेरे जवान काट के रख दूंगी अगर अपने बाप को कुछ भी कहा। और देख तेरे लिए आज मैं क्या सब लेकर आई हूँ, छोले भटूरे, खीर, रसगुल्ले, खाएगी? बोल बोल खाना है तुझे? हाँ माँ बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भूख लगी है ये ले। इतना बोलकर रूपाली थाली को नीचे जमीन पर पटक देती है। आवाज सुनकर घनश्याम और मोना चकोर के कमरे में आ जाते हैं। तभी रूपाली जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है।
चकोर बेटा, छोले में थोड़ी मिर्च ही तो तेज थी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए दोबारा बना कर ले आती हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या नाटक कर रही हो, थाली आपने फेंकी है। पापा पापा, आप इन माँ बेटी की बातों में बिल्कुल मत आना, ये लोग बहुत बुरे हैं पापा, मुझे बचा लो पापा इनसे। चुप कर चकोर, झूठ बोलने की भी हद होती है, यह लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं और तू इन पर ही इंजाम लगा रही है। चकोर समझ जाती है कि उसके पिता अब उसके बात समझने वाले नहीं हैं। चले जाओ सभी के सभी मेरे कमरे से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखा पापा आपने, अब चलिए यहाँ से। चकोर अपने कमरे को बंद कर अंदर खूब रोती है। माँ सॉरी माँ, मैं जिस औरत को अपनी माँ समझने की गलती कर रही थी, असल में वो तो डायन है। माँ कहाँ हो माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो माँ। चकोर को यूं रोता देख तस्वीर में से उसकी माँ की आत्मा बोलती है, चकोर बेटी चकोर। माँ आप सुन रही हो माँ, आप तस्वीर में से भी बोल सकती हो। हाँ बेटी चकोर, तुम्हें यूँ हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें उन लोगों की सच्चाई सबके सामने लानी है। कैसे लाऊं माँ, पिताजी तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। ये लो चकोर, ये जादुई चूड़ियाँ हैं, अब से इससे तुम जो कुछ भी बोलोगी वो तुरंत हो जाएगा। और हाँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज अपने पिता के घर आते ही उन्हें सब कुछ बता देना, ठीक है। और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चकोर उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लेती है। सुबह होने पर, अरे ओ चकोर की बच्ची, मर गई क्या, जल्दी से उठ के नीचे आ, बहुत सारा काम पड़ा है। मैं और मोना बाजार शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे घर आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, समझी। चकोर नीचे आकर अपनी जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से कर लेती है और खाना भी बना लेती है। रूपाली और मोना जब घर आती है तो घर इतने अच्छे से सजा देख बोलती है, तुझे तो घर का काम आता है, इतने दिने से खाम खा नौटंकी कर रही थी। हाँ अब असली नौटंकी आप लोग बाहर जाकर करना, आने दो आज पिताजी को, उनके आते ही मैं आप लोगों के बारे में सब कुछ बताती हूँ। आहा, क्या कहा, सब कुछ तो तुमने कल रात में भी अपने चपड़ गंजो बाप को बताया था, पर उस टकले को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। अब तुम क्या करोगी, और ये क्या चूड़ियाँ कहाँ से मिल गई तुझे, चल निकाल इसे, ये तेरे हाथों में अच्छे नहीं लग रहे, इधर दे और हमारे पैर दबा। पैर नहीं, मैं तुम लोगों का गला दबाऊंगा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ यह अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया था और तुमने उसके साथ ही इतना गलत किया, दफा हो जाओ यहाँ से। धनश्याम रूपाली और मोना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे समझ नहीं पाया। फिर चकोर धनश्याम को बताती है कि रात में उसकी माँ शांति ने उससे बात की थी और उसे जादुई चूड़ियाँ भी दी थी, अब उन्हें जब भी कुछ खाने का मन करता है वो जादुई चूड़ियों से कहकर मांग लेते। फिर दोनों बाप बेटी उस जादुई चूड़ियों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से ऐसे ही किसी और नई मज़ेदार कहानियों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।